बांग्लादेश में हिंसा सरकार के खिलाफ थी, लेकिन जब प्रदर्शन उग्र हुआ तो इसकी जद में बेवजह अल्पसंख्यक हिंदू भी आ गए। कई सारे मंदिरों में तोड़फोड़ की गई, आग लगाई गई, कई सारे लोगों को उनकी धार्मिक पहचान के आधार पर टारगेट किया गया और कई लोगों की हत्या की खबर भी सामने आ चुकी है। हालांकि स्पष्ट आंकड़ा क्या है ये सरकार ही जारी कर सकती है। अब इस मामले को लेकर वहां के अल्पसंख्यक हिंदुओं ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार से मुआवजा समेत 8 बड़ी मांगें की। दरअसल 6 अगस्त की शाम को नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली और बांग्लादेश में अंतरिम सरकार स्थापित की गई। उनके साथ उनके 16 सलाहकार भी इस सरकार में शामिल हैं जिन्होंने मंत्री पद की शपथ ली थी। इनमें वो 2 प्रदर्शनकारी छात्र नाहिद इस्लाम और आसिफ महमूद भी मंत्री बनाए गए। अब इन्हीं से अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय ने 8 मांगे की। क्या है ये 8 मांगे आपको बताते हैं। पहली, हिंदू समुदाय के लोगों की, उनके घरों की और उनके बिजनेस की सुरक्षा पुख्ता की जाए। दूसरी, सरकार उन सभी लोगों पर कड़ा एक्शन ले जिन्होंने टारगेट कर हिंदुओं को निशाना बनाया। तीसरी, हिंदू कल्याण ट्रस्ट में सरकार का किसी भी तरह का दखल ना हो और उसे एक स्वतंत्र ट्रस्ट बनाया जाए। चौथी, जिन भी लोगों के घरों को लूटा गया या तोड़ा गया उन्हें सरकार उचित मुआवजा दे। पांचवी, माइनॉरिटी कमीशन पीड़ित अल्पसंख्यक हिंदुओं को न्याय दिलाने में मदद करे। छठवी, हमारे धार्मिक स्थलों जैसे कि मंदिर आदि की सुरक्षा पुख्ता की जाए। सातवी, कुछ अल्पसंख्यक हिंदू परिवार हिंसा के चलते भारत सीमा से सटे शहरों में चले गए हैं और भारत में जाने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार उन्हें भरोसा दिलाए कि वे सुरक्षित हैं, उन्हें वापस लेकर आए और उनकी सुरक्षा भी सुनिश्चित करे। आठवीं और आखिरी मांग, सरकारी नौकरियों में भी अल्पसंख्यक हिंदुओं का हिस्सा बढ़ाया जाए। बांग्लादेश के अंदर जमात के और ISI के माध्यम से और CIA के माध्यम से वहाँ पर तख्ता पलट कर हिंदुओं का निशाना बनाया जा रहा है। हिंदुओं की बहु बेटियों को जो है कुछ उपद्रवी उठा के ले गए हैं, उनके साथ अत्याचार हुए हैं, उनके प्रतिष्ठानों को, उनके घरों को आगजनी की गई है और मंदिरों के अंदर आगजनी की गई है, जिसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं कि वहाँ के जनरल से बात करके हिंदुओं को सुरक्षित करने का काम जो है वो जल्द से जल्द किया जाए। अगर हिंदुओं के ऊपर हमले हुए और इसका इसकी प्रतिक्रिया जो है पूरे भारत के अंदर जो है वो होगी और जल्द से जल्द जहां पर जो रोहिंग्या है बांग्लादेशी है इनको भी यहां से निकालने का काम जो है वो केंद्र सरकार जल्द से जल्द करे। ये सभी मांगे बांग्लादेश की अंतरिम यूनुस सरकार से अल्पसंख्यक। अब जो अल्पसंख्यक भारत आने की तैयारी में है, सरकार उन्हें कैसे मनाती है, ये बांग्लादेश की संप्रभुता के लिए एक बड़ी चुनौती है। इसके साथ ही बांग्लादेश, भारत समेत अमेरिका तक में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हुए हमलों को लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं। देखना होगा कि सरकार इस नए प्रदर्शन से कैसे निपटती है।